Hello student, welcome back to our channel. In the last videos we have completed present tense, present indefinite, present continuous, present perfect or perfect continuous. Today we will talk about future past indefinite tense. Let's start. Past indefinite जिन वाक्यों में था थे थी या ता था ते थी ती थी इस तरह के वाक्य आते हैं सब तो उसको पास्ट इंडेफिनेट टेंस कहते हैं। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस को जो बनाने का सिंपल सेंटेंस को बनाने का जो नियम है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें हम बढ़ाते हैं जैसे वह दिल्ली गया, सब्जेक्ट है ही, जाने को कहते हैं गो, गो की सेकंड फॉर्म लगेगी वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया। मैंने किताब पढ़ी, देखिए यहाँ पर ए की जो है ए की मात्रा यही है, तो ये देखिए ये खुद शब्द नहीं आता, इसकी मात्रा आती है, इसका मतलब है कि पास्ट सेंटेंस है। मैं किताब पढ़ चुका हूँ, मैंने पढ़ ली है, सिंपल पास्ट बनाना है हमने। मैंने किताब आई पढ़ना रीड द बुक, एक किताब मैंने किताब पढ़ी, आई रीड द बुक, मैंने किताब पढ़ी। तो इस तरह से हम सिंपल पास्ट सेंटेंस के वाक्यों को बना सकते हैं सिंपल में। तो आगे कुछ सेंटेंस जो हैं, मैं चिड़ियाघर देखने गया, सिंपल सेंटेंस है, जैसे आई देखने गया, जाने को कहते हैं गो, सेकंड फॉर्म लगेगी गो वेंट टू सी द जू, मैं चिड़ियाघर देखने गया, आई वेंट टू सी द जू। सेकंड है वे कल बढ़िया खेले, वे कल बढ़िया खेले, दे प्ले की सेकंड फॉर्म लगी प्लेयर, वेल यस्टरडे, दे प्लेयर खेलना, प्लेयर खेले खेल चुके हैं, मतलब दे प्लेयर वेल यस्टरडे, कल बढ़िया खेले। आगे मेरे पिताजी सुबह की सैर करते थे, तो ते थे ता थी, इससे पता चलता है कि पास्ट का टेंस है। यहाँ पर ए की मात्रा आई हुई है, मैंने बताया था कि जहाँ पर ए आ की जो मात्राएं आती हैं वो पास्ट के सिंपल टेंस होते हैं, तो ए की मात्रा है खेले, तो इसका मतलब है पास्ट का सिंपल सेंटेंस है। जब नोट नहीं है तो सिंपल ही है। तो मेरे पिताजी सुबह की सैर करते थे, माय फादर सैर करते थे, सैर के लिए जाते थे, मतलब वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। इस तरह से हम सिंपल सेंटेंसों को बना सकते हैं, माय फादर सैर करते थे, तो सैर पर जाते थे, सैर के लिए जाते थे, तो वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, माय फादर वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक। या तुम लिख दो आई वेंट फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक गया। तो इस तरह के वाक्यों को हम सिंपल पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य हैं। अगर हमारे पास नेगेटिव में आ जाए तब हम नेगेटिव सेंटेंसों में सिंपल से हटके कैसे उनको बनाते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो जब भी हमारे पास डिड शब्द आ गया है तो हमने नेगेटिव वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है,
जैसे सिंपल से वह मंदिर नहीं गई, वह मंदिर नहीं गई, she did not go to temple, वह मंदिर नहीं गई। तो इसका है जहां पर भी did not आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसके ध्यान रखने हैं डू डज और डिड, जहां पर भी तीनों शब्द आते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होती है। इसमें हमने कोई सब्जेक्ट का ध्यान नहीं, सब्जेक्ट कुछ भी हो अगर नेगेटिव है तो नॉट ही लगेगा, डिड लगेगा, नॉट लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल किसी भी तरह का सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट्स के जितने भी हमारे पास सिंगुलर आई वी यू दे ही शी इट किसी के भी साथ कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा ही शी इट आई वी यू दे दीज दोज सिंगुलर प्लूरल एकवचन बहुवचन जितने भी संज्ञाएं हैं हमारी ऑल सब्जेक्ट में सभी सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो उन सभी में अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड का प्रयोग होता है, डिड नॉट, हम डिड नॉट डिड ही लगाएंगे। हाँ और कोई इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हमें जैसे हैज हैव में हमें सो ऑप्शन था कि हैज लगाएं कि हैव लगाएं, यहाँ पर हमने डिड ही लगाना है। ये कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जैसे मैंने चाय नहीं पी, तो मैंने कहा था कि सबसे लास्ट से ही हमें पता चलता है कि सेंटेंस का कौन सा है, बड़ी की मात्रा जो आई हुई है यहाँ पर आ, यहाँ पर आ ई, तो आ ई की मात्रा है या था थी आता है तभी हमें पता चलता है कि पास्ट का है। हम नॉट लगाए मैंने चाय नहीं पी, मैंने को लिखते हैं आई डिड नॉट, डिड नॉट टेक टी, मैंने चाय नहीं पी, आई डिड नॉट टेक टी। सेकेंड सेंटेंस है बच्चा स्कूल नहीं गया, बच्चा स्कूल नहीं गया, आ शब्द आया हुआ पीछे, आ की मात्रा है तो पास्ट है, नेगेटिव वर्क है द चाइल्ड डिड नॉट जाना गो टू स्कूल, स्कूल नहीं गया। नेक्स्ट अध्यापक ने भाषण नहीं दिया, अध्यापक ने भाषण नहीं दिया, टीचर डिड नॉट, भाषण देने को कहते हैं डिलीवर, डिलीवर करना, डिड नॉट डिलीवर स्पीच, द टीचर डिड नॉट डिलीवर स्पीच, अध्यापक ने भाषण नहीं दिया। नेक्स्ट है मुझे अपनी किताब नहीं मिली, आई डिड नॉट, मुझे को लेते आई, नेगेटिव बनाना, डिड नॉट फाइंड माई बुक। इस तरह से हम नेगेटिव वाक्यों को बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर सिंपल पास्ट सेंटेंस की बात होती है आपके पास, अगर क्लास में इस तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं तो आप सब्जेक्ट कोई भी हो डिड नॉट तो लगेगा ही सबके साथ अगर नेगेटिव है तो, सब्जेक्ट कुछ भी हो सिंगुलर प्लूरल एकवचन बहुवचन कोई भी हो तो आपने सब्जेक्ट डिड नॉट बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर हमने डिड लगाया है डिड नॉट लगाया तो, अगर डिड सिंपल है तो सेकंड फॉर्म लगेगी, डिड नॉट लगाया तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसके बाद हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव पास्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, जिनके आगे क्या शब्द लग जाता है और क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इक्वेशन को देख लेते हैं, पहले सबसे पहले डिड सब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, तो ये हमारी इक्वेशन है पास्ट के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसों की, ये इक्वेशन है इंटरोगेटिव में। सबसे पहले तो क्या माताजी ने गीता पढ़ी, क्योंकि हमने वो नहीं की तरफ ध्यान नहीं दिया कि नोट आएगा, तो वो इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस था। चलो डिड द मदर रीड द गीता,
तो ये सेंटेंस इस तरह से ठीक बनेगा, वो जो पहले हमने नोट था उस नोट को नहीं लगाया था, तो नोट आना भी नहीं था क्योंकि हमने इंटरोगेटिव कर रहे हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं कर रहे। तो डिड मदर रीड द गीता, क्या माता जी ने गीता पढ़ी। सेकंड जो सेंटेंस है, क्या मोहन स्कूल गया, अभी हम कर रहे थे ये नहीं गया था, तो क्या मोहन स्कूल गया। मोहन, मोहन के साथ हम डिड ही लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा कोई भी हो। डिड मोहन जाना गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, क्या मोहन स्कूल गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम बाजार में मिले, क्या हम बाजार में मिले। हम वी डिड ही आएगा, डिड वी मिलना था मीट, मीट की डिड वी मीट इन द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। डिड वी मीट इन द मार्केट। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कोई ने पानी पिया, क्या कोई ने पानी पिया। इसको बनाते हैं, डिड द क्रो, डिड द क्रो पीना पड़ता है ड्रिंक, ड्रिंक वाटर, क्वेश्चन मार्क। डिड द क्रो ड्रिंक वाटर, क्या कोई ने पानी पिया। इस तरह से हम नेगेटिव पास्ट इंडेफिनेट के इंटरोगेटिव सेंटेंसों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो हमने सिर्फ सेंटेंस को पहचानना है, अगर हमारे पास क्या लगा है पहले, तो हमने डिड को सब्जेक्ट से पहले आगे लगा देना है, डिड सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब ऑब्जेक्ट। सभी में देख लो, डिड पहले है, उसके बाद सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम इजी वे में बिल्कुल इन सेंटेंसों को बना सकते हैं। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव कह सकते हैं कि इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है, तो आपको अगली वीडियो में हम इंटरोगेटिव नेगेटिव और इसके फिल इन द ब्लैंक्स किस तरह से भरने हैं और वो आपको करने बताएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।